जय हिंद। नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है। साथियों, आज हम लोग कुल 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगामी जो भी हमारी आने वाले एग्जाम्स है, जैसे बिहार स्टेट है, हरियाणा है, MP है, UP TGT है, NVS, EMRS, अनदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें इस मॉडल पेपर से आपको श्योर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, आप चाहे तो हमारे साथ टेस्ट दे सकते हैं। 125 में आप आउट ऑफ कितना अचीव करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथियों, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने क्वेश्चन में गलतियों को दूर करने की पूरी कोशिश की है। हाँ, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर प्रेषित करें, जिससे हम कमेंट बॉक्स में आपके आंसर को पिन कर सकें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएँ, जिससे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स है वो आपको सबसे पहले मिले और आप अपने अचीव को, आप अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव करें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है? वह कौन सा पदार्थ होता है जो पाचन आरंभ करता है? तो ये लार ग्रंथि से आरंभ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुल्टियस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित है। जो गुल्टियस मैक्सिमस मांसपेशी है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कुल्ले में स्थित होती है, गुल्टियस मैक्सिमस मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? कौन सी पूछा गया है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो इसमें जो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है वो विटामिन B, B and C, ये दो विटामिन होते हैं जो किसमें जल में घुलनशील है। बाकी A, D, E और K ये किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन जो हुआ था ये 1894 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सर्बोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में विषय टीमों की संख्या होने पर ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र है। पूछा जा रहा है जब कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो अगर उसमें टीमों की संख्या विषम है तो ऊपरी अर्ध में बाई देने का फार्मूला क्या होगा? जो अपर अर्ध, अपर हाफ और ये हो गया अपर हाफ और ये हो गया लोअर हाफ, तो उसमें बाई देने का फार्मूला पूछा गया है। तो जो बाई देने का फार्मूला होता है NB-1/2, ये फार्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाँ अगर लोअर हाफ की पूछ दिया जाए तो NB+1/2 ये क्या हो गया? लोअर हाफ। ओके, और ये क्या है? अपर हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपोषक है? पूछा जा रहा है कौन सा तत्व क्या है अपोषक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फाइबर, इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है, जो शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है वो क्या है? दैनिक कार्य करने में, कि मूलभूत कौशल नापने में, कि समूह का वर्गीकरण करने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर होगा, दैनिक कार्य करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मिलर वॉलीबॉल परीक्षण संबंधित है। तो मिलर वॉलीबॉल जो परीक्षण है वो किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑक्सीपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है? जो ऑक्सीपिटल अस्थि होती है ये कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन आ चुका है UP TGT में, ये तो ये खोपड़ी में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, माध्य से मानक विचलन अंकों की दूरी के आधार पर बनाए गए पैमाने स्केल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है माध्य के मानक विचलन अंकों की दूरी के आधार पर बनाए गए पैमाने स्केल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जेड स्केल कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि कहलाती है। शक्ति को बढ़ाने की, स्ट्रेंथ को
इंक्रीज करने की जो ट्रेनिंग मेथड वो कौन सा होता है, वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्लायोमेट्रिक विधि कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय मांसपेशी को कहते हैं, हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो हृदय की मांसपेशी को मायोकार्डियम कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित है, एक जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसका जो कंट्रोलिंग सेंटर कहाँ पे स्थित होता है? तो ये होता है मेडुला ओलोंगेटा में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने डेवलप किया, विकसित किया? तो ये किया था 1943 में ब्राहुआ ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस ओलंपिक में टार्च अनुष्ठान को प्रारंभ किया गया था? वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें टार्च अनुष्ठान ज्वाला को प्रारंभ किया गया था? तो ये था 1936 बर्लिन ओलंपिक था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ, जिससे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। हाँ, अगर आपने हमारे बेस्ट 20 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक प्रैक्टिस सेट है वो 30 क्वेश्चन का है। तो 20 × 30 ये हो गया टोटल 600 क्वेश्चन, और लगभग मैंने क्वेश्चन को यूरी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, तो लगभग आप वहाँ पे कम समय में 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात बता दूँ क्या है कि जो क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं, UP, TGT, KVS, NVS, LT, अनदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप उस बेस्ट 20 प्रैक्टिस शॉट को देखना न भूले फ्रेंड्स, जरूर आप देखें टाइम निकाल करके, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें हमारी कवर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कौन सा घटक परीक्षण की वस्तु निष्ठता को प्रभावित नहीं करता? वो कौन सा घटक है जो परीक्षण की वस्तु निष्ठता को प्रभावित नहीं करता है? तो ये परीक्षण की जो अवधि होती है ये प्रभावित नहीं करती है। ओके, बाकी ये सभी प्रभावित करती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक विधि है, तो ये किसकी विधि है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, KVS में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की है, लचीलापन की टेक्निक है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा हार्मोन पैंक्रियाज द्वारा निकाला जाता है? वह कौन सा हार्मोन होता है जो पैंक्रियाज के द्वारा निकलता है? तो राइट आंसर इज इंसुलिन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मत से पास किया था? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत सरकार का जो खेल स्पोर्ट डिपार्टमेंट है उसमें साई जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रस्ताव कब सर्वसम्मत से पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 25 जनवरी 1984 को। क्वेश्चन ए के बी एस में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो खेले का जो अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है ए बी सेलर एवं एच स्पेंसर ने इसको प्रतिपादित किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 3000 मीटर स्टेपल चेस दौड़ में कितनी पानी बाधाएं पार करनी होती है? 3000 मीटर की जो स्टेपल चेस जो रेस होती है, पानी वाली बाधाएं दौड़ होती है, उसमें कितनी पानी की बाधाएं पार करनी पड़ती है? तो 7 कुल पानी की बाधाएं पार करनी पड़ती है। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कितनी 3000 मीटर में कितनी बाधाएं होती हैं हर्डल, तो हर्डल कुल होते हैं उसमें 28 होते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन एक बार और ये पूछ सकता है कि पानी की बाधा और हर्डल दोनों मिला करके कुल कितनी बाधाएं होती है, तो 28 + 7 टोटल हो जाएगा 35 हर्डल्स हो जाएंगे दोनों मिला करके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी जाने वाली नई निपुणता पहले सीखी गई निपुणता से भिन्न है, तो इस
सीखने के स्थानांतरण को कहेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि सीखी जाने वाली नई निपुणता पहले से सीखी गई निपुणता से क्या है, अलग है, भिन्न है, तो इस सीखने के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो फर्स्ट एड होता है। प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो जो कार्य होता है मतलब उस कंडीशन में, देख लेते हैं ऑप्शन, चारों ऑप्शन। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का उपचार करना, जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसकी मदद से क्या करना, जीवन को बचाना है, और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। तो इन चार ऑप्शन से जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी ये राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपके पास सुविधा हो फर्स्ट एड बॉक्स में, उसको सबसे पहले, उसको जो पेशेंट है उसको मदद, उसको पहुंचाना, उसकी जीवन की रक्षा करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम हृदय गति को परिभाषित किया गया है, हृदय गति को परिभाषित किया गया है, किससे परिभाषित किया गया है, तो प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या से हृदय को यहाँ पे परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो श्वेत ग्रंथियाँ, श्वेत मीन्स क्या होता है, पसीना, तो पसीना किससे निकलता है, तो ये स्किन से निकलता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं किसको कहते हैं, स्किन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ है, किन्सियोलॉजी का जो मूल अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है, सॉरी फ्रेंड्स, किन्सियोलॉजी गति विज्ञान होता है, किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता है, वह कौन सा पदार्थ होता है जिसमें विटामिन बी नहीं पाया जाता है, तो टमाटर में नहीं पाया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन निर्भर करता है, संतुलन किस पे निर्भर करता है, तो किसी वस्तु के चौड़े आधार पर क्या करता है, संतुलन निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि हमारा बेस जितना चौड़ा होगा उतना ही हम ज़्यादा सुटेबल होंगे। अगर हमारा ऊपर का, जैसे ये बेस हो गया हमारा, अब कितना हो ऊपर ऊपर इसके इमारत बनाते जाइए, कोई जल्दी डिफरेंट नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ वहीं पे अगर हमारा बेस कम है और जो हमारा जो ऊपर जो खड़ा करने का जो पार्ट है वो ज़्यादा चौड़ा है, तो स्वाभाविक से बात, जैसे वाली ये बेस है तो ये दिक्कत है हमारे लिए, नहीं, बेस चौड़ा होना चाहिए किसी वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में से कौन सी वायु उत्प्रेरणा नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु उत्प्रेरणा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इजे राइट आंसर होगा, वायु अब उत्प्रेरणा नहीं है। डिजायर इच्छा क्या होती है, ये अंदर की होती है, अपनी खुद की होती है, जबकि रिवार्ड मीन्स पुरस्कार, प्रेज प्रशंसा एंड पनिशमेंट सजा, ये क्या होते हैं, वायु उत्प्रेरणा होती है जो दूसरे के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फ्रेंच नस्काल ने शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया, फ्रेंच नस्काल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया, तो ये कराया था डेनमार्क में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं, सिगमंड फ्रायड जी किसके जनक माने जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, मनोविश्लेषण के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वैदिक काल की अवधि थी, तो वैदिक काल की अवधि क्या होती थी, तो 2500 बीसी से 600 बीसी वैदिक काल की ये अवधि थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे प्लेलिस्ट में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन एंड अदर गेम के जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन का परस्पर संबंध निम्नलिखित ढंग से है, तो क्या निम्नलिखित ढंग से होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, परीक्षण मापन मूल्यांकन का परस्पर संबंध होता है, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। ओके तो इसका जो परस्पर जो संबंध होता है, ये परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन क्या क्या है, ये हिस्सा है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न कारकों में से कौन सा प्रभाव समय सारणी पर पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न कारकों में से कौन सा प्रभाव क्या होता है समय सारणी पर हमारे इफेक्ट डालता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या डिपेंड करता है जो इक्विपमेंट क्या हमारे पास उपलब्ध है मौसम के अनुसार वो भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय एवं फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं, जो हृदय और हार्ट और लंग्स जो होते हैं ये कंट्रोलिंग किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये मेडुला ओब्लॉन्गेटा के द्वारा किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है? कौन सा इसमें क्या है मालिश का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो कैंपिंग होता है ये मालिश का भाग नहीं है, बाकी स्लैपिंग हैकिंग और टैपिंग ये क्या है मालिश के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है? वह कौन सा ऊतक होता है जो क्या करता है शरीर का संरक्षण करता है? तो जो एपिथीलियम जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं शरीर के संरक्षण करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अधिगम के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था ये कोहलर ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमार्फ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? जो एंडोमार्फ जो कहा गया है उसमें कौन सी विशेषता होती है? तो उसमें जो विशेषता होती है अपनी योग्यता का अधिमूल्यांकन करते हैं। किसकी योग्यता का? अपनी योग्यता का, खुद की। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेशी जो संस्थान होता है उस पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, शरीर की वसा का बढ़ना ये क्या है पेशी संस्थान पर व्यायाम का कोई प्रभाव नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी प्रोटीन की मात्रा का बढ़ना, वसा रहित बढ़ना, मायोग्लोबिन धारिता ये क्या है पेशी संस्थान पर व्यायाम के ये प्रभाव हैं। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल फिटनेस कॉर्प कब आरंभ किया गया था? तो नेशनल फिटनेस जो कॉर्प है ये आरंभ किया गया था 1965 में आरंभ किया गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोच को प्रशिक्षित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, वह कौन सा संस्थान है जिसने भारत में अधिकतम कोचों को क्या किया है ट्रेनिंग दिया है? तो राइट आंसर इज LNIS पटियाला। तो इस क्वेश्चन, भारत में अधिकतम कोचों को ट्रेनिंग देने का कार्य कौन किया है? तो NSNIS पटियाला ने किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावित करता है? तो जो थर्ड टाइप का जो लीवर होता है ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवास्कुलर क्षमता के लिए है? वह कौन सा परीक्षण है जो किसके लिए है कार्डियोवास्कुलर क्षमता के लिए है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण जो होता है ये कार्डियोवास्कुलर क्षमता के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ग्रीन स्टिक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन स्टिक जो शब्द है ये संबंधित है विभंजन से, ओके, चोट से संबंधित है, फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्राइट निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो डेंड्राइट जो भाग होते हैं ये न्यूरॉन्स के भाग होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द परकुशन किससे संबंधित है? तो परकुशन जो शब्द संबंधित होता है ये मालिश से संबंधित होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है? कौन सा क्या है मनोरंजन का प्रकार नहीं है? तो जो नियोजन मनोरंजन है ये कोई प्रकार नहीं होता है, बाकी सामुदायिक मनोरंजन होता है, संस्थागत मनोरंजन होता है और व्यावसायिक मनोरंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है? खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है? जब भी कोई भी चीज़ हम ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसका पहला प्रबंधन क्या होना चाहिए? तो नियोजन हो जाए होना चाहिए। नियोजन मीन्स क्या होता है? प्लानिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अपने स्कोर ज़रूर चेक करें। आज हम टोटल आपको 125 क्वेश्चन कराएंगे, तो कहीं मत जाइए, हिम्मत अपना हौसला बांध के रखिए, क्योंकि डेली के बैठने से ही आपके प्रैक्टिस होगी। एग्जाम में जैसे हम 3 घंटे बैठते हैं तो एक साथ बैठ करके आप सभी लोग 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करिए 125 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि वो टाइम टेकन ड्यूरेशन दिया जाता है 125 क्वेश्चन करने के लिए 3 घंटे का। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में और नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मापन नहीं है? क्या है? उत्तम परीक्षण का मापन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर होगा, व्यक्ति निष्ठता इज ए राइट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? तो फेफड़े के जो ढकने वाले आवरण को हम लोग प्लूरा कहते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली को नीचे की ओर घुमाने को क्या कहते हैं? हथेली को नीचे की ओर घुमाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्रोनेशन कहा जाता है। क्या होता है? जो हमारा ये पाम होता है, तो ये पाम की इसमें ये संख्या नीचे होगी, ठीक है, जो मेन सरफेस क्या होगा? ऊपर होगा, ठीक है, और जो पाम होगा जिसे पकड़ने की जो क्रिया, उंगली हमारी कहाँ मुड़ेगी? अंदर की तरफ। तो ये हो गया प्रोनेशन। ओके फ्रेंड्स, सुपेनेशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फाटलेक प्रशिक्षण विधि को विकसित किया था, तो फाटलेक जो ट्रेनिंग है इसको विकसित किसने किया था? तो ये किया था गोस्टा होमलर ने किया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स एपिकार्डियम कहा जाता है, एपिकार्डियम कहा जाता है हृदय की सबसे बाहरी परत को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज ए राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैविक प्रक्रिया कौन सी है? जैविक प्रक्रिया कौन सी होती है? 57 नंबर क्वेश्चन। तो ये होती है वंशानुगत होती है, जैविक प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है। एनाबोलिक स्टेरॉयड सीधे असर डालती है, जो एनाबोलिक स्टेरॉयड होते हैं जो फुटबॉल के खिलाड़ी ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये किस पे ज़्यादा असर डालती है? तो ये मांसपेशियों पर सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? कौन सा क्या है व्यक्तित्व का घटक इसमें से नहीं है? तो जो धार्मिक है ये व्यक्तित्व का कोई घटक नहीं है, बाकी शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक ये क्या है? व्यक्तित्व के घटक हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है? वह कौन सा पॉइंट है जो वृद्धि के नमूने को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जींस इज ए राइट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है? शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है, तो जो प्रदान करती है ये क्रमबद्ध एवं तर्क शुद्ध अध्ययन प्रदान करती है। शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सर्वप्रथम इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता किस देश में आरंभ हुई? तो फर्स्ट टाइम जो इंट्राम्यूरल जो प्रतियोगिता हुई ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति समय है जब नाड़ी की गति नीचे हो? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 120 से 140 धड़कन प्रति मिनट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
निम्न में से कौन सी संभाव्यता प्रतिचयन विधि नहीं है? क्या है? प्रतिचयन विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सुविधा अनुसार जो प्रतिचयन है, ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यिका से लिए गए बीज के 50%, ये क्या है, 50% अंकों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है चतुर्थक विचलन कहा जाता है। क्या? चतुर्थक विचलन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार को धक्का देना, क्या है, दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन होता है? तो ये जो संकुचन होता है उसमें वो होता है स्टैटिक संकुचन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से लगाया जाता है? वह कौन सी आयु का पता जो होता है किसके द्वारा लगाते हैं? मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा लगाते हैं। तो मेंटल एज का पता हम लोग मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं, इसमें से प्रबंधन का कौन सा कार्य नहीं होता है? तो जो यूनियन नेतृत्व होता है ये प्रबंधन का कोई कार्य नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी जो प्रबंधन के ये कार्य होते हैं, नियोजन मीन्स प्लानिंग, निर्देशन एवं समन्वय यन कोऑर्डिनेशन डायरेक्शन एंड प्लानिंग, ये प्रबंधन के कार्य होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों जो भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। अगर आपने पेपर दिया होगा या देने जा रहे होंगे तो जरूर आपको पता होगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है आईओसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं? तो जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, धीमी झटका पेशी इज ए राइट आंसर होगा। रेड मसल्स फाइबर इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? जो ट्रिपल जंप होता है उसमें रनवे की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, न्यूनतम पूछा गया है? तो ये 40 मीटर होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब, क्वेश्चन पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब, चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने, वस्तु का भार अधिक होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वस्तु का भार क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत शोध को यह भी कहा जाता है, आधारभूत को और क्या, आधारभूत जो शोध होता है उसको और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शुद्ध प्योर शोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जांग के सामने मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? जांग के सामने की जो मांसपेशियां होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो क्वाड्रिसेप्स इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमन्य है? एक फुटबॉल का जो मैच होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है एग्जाम में, UPTGT में, अनदर स्टेट के भी एग्जाम में पूछा गया है। तो फुटबॉल के एक मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमन्य होते हैं? एक भी नहीं, फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दे देता है इसमें कभी कभी कि कोई टाइम आउट नहीं, तो राइट आंसर होगा कोई टाइम आउट नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वाले को पुरस्कृत किया जाता है।
जो प्राचीन कालीन ओलंपिक हुआ करते थे उसमें जो जीतते थे जो प्लेयर उनको जो दिया जाता था जैतून की पत्तियों से बना हुआ मुकुट प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, आइसोमेट्रिक ताकत कहा जाता है। आइसोमेट्रिक का एग्जांपल क्या होता है, दीवार का धक्का देना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जॉनसन बास्केटबॉल प्रशिक्षण में से कौन सा संबंधित नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है जॉनसन बास्केटबॉल प्रशिक्षण से कौन सा संबंधित नहीं है, तो जॉनसन बास्केटबॉल से कौन कौन संबंधित होता है देख लेते हैं पहले उसको हम लोग। फील्ड गोल स्पीड परीक्षण ये संबंधित होता है। बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी ये भी संबंधित होता है और ड्रिबल, ये तीनों संबंधित होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये राइट आंसर ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। पेनी कप क्या होता है, जॉनसन बास्केटबॉल से संबंधित नहीं होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है, क्या है जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है, तो क्रायो चिकित्सा ये भी जल चिकित्सा का हिस्सा है, कंट्रास्ट बात और वर्लपुल बात ये तीनों क्या है जल चिकित्सा के हिस्सा हैं, बाकी जो वैक्स बात है ये जल चिकित्सा का क्या है हिस्सा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वैगनल वाइल्ड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है, वैगनल वाइल्ड जो टूर्नामेंट होता है वो निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो नॉकआउट प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है वैगनल वाइल्ड टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रथम बार एस्ट्रोटर पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न कराया गया था, फर्स्ट टाइम जो एस्ट्रोटर पे जो मैच हुआ था वो किस ओलंपिक में कराया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, 1976 में मॉन्ट्रियल में फर्स्ट टाइम एस्ट्रोटर पर मैच कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन की सफलता की कुंजी मानता है, वह कौन सा दर्शन है जो अनुभव को जीवन की सफलता की क्या मानता है कुंजी मानता है, तो उपयोगितावाद ये मानता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, कंटिन्यूअस जो ट्रेनिंग है किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो ये प्रतिपादित की गई जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है ये बोलमर ग्रेस्लर के द्वारा प्रतिपादित की गई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा चुका है, डायर टेस्ट संबंधित है, तो डायर टेस्ट जो संबंधित है ये टेनिस से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। ओके तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर रचना एवं महत्वपूर्ण घटक है, शरीर रचना क्या है एक महत्वपूर्ण क्या है घटक है, किसका घटक है ये, स्वास्थ्य संबंधी क्षमता का ये घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जर्मन जिम्नास्टिक का पिता किसे कहा जाता है, तो जर्मन जिम्नास्टिक का जो पिता कहा जाता है ये गट्समत को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, पेशियों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो जो सब्सिडाइजर होता है ये कोई कार्य नहीं होता है, बाकी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एंड न्यूट्रलाइजर ये पेशियों के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस संक्रामक रोग को हैंसन रोग कहा जाता है, वह कौन सा रोग है जिसको क्या कहा जाता है हैंसन रोग कहा जाता है, 89 नंबर क्वेश्चन, तो कुष्ठ रोग इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवलिन थ्रो भाला फेंक में सेक्टर का कोण होता है, जो जेवलिन थ्रो होता है उसमें सेक्टर का एंगल क्या होता है, तो जो सेक्टर का एंगल होता है वो 28.96 एंगल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है, एशियाई जो खेल होते हैं उनका प्रतीक चिन्ह
क्या होता है? तो पूरा उगता हुआ सूर्य एवं 11 छल्ले, इजे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है डिस्टेंस, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? प्रारंभिक वेग पर, इजे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रधान ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में जो ग्रंथियां होती है उसमें सबसे प्रधान जो मेन जो ग्रंथि होती है उसको किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि है, शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की जो अवधि है वो क्या है? तो 3250 से 250 ईसा पूर्व तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का चित्र संबंधित प्रतिवेदन नहीं है? निम्न में से कौन सा आंकड़ों का चित्र संबंधी प्रतिवेदन नहीं है? तो जो चित्र संबंधी प्रतिवेदन नहीं है, बाइनोमियल इज ए राइट आंसर। ये कोई आंकड़ों का चित्र संबंधी प्रतिवेदन नहीं होता। बाकी हिस्टोग्राम, ओजाई एवं फ्रिक्वेंसी, पॉलीगन, ये आंकड़ों का चित्र संबंधी प्रतिवेदन होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक नहीं है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस का घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा। पेशी सहनशक्ति क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस के घटक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट, शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है? शारीरिक एवं बौद्धिक जो प्रदर्शन है करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को क्या करता है, दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जागृति। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर की व्यग्रता की आवश्यकता होती है? खेलों में जो अगर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, हाईएस्ट अपना टॉप पे, तो उसकी जो व्यग्रता होती है, जो हमारा मेंटल लेवल होना वो कैसा होना चाहिए? इष्टतम लेवल का होना चाहिए। ओके, मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को कहते हैं? हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को कहते हैं, तो जो कहा जाता है उसको परिणाम एवं आकार कहा जाता, सॉरी सुपाइनेशन कहा जाता है। ओके, हमारा जो पाम है ये ऊपर, जैसे सॉरी ये जैसे फिंगर्स हैं तो ये ऊपर की तरफ होगा, तो ये हमारा जो पाम है, पाम ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, फेस करेगा, सन को फेस करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सन, यस फॉर सन, यस फॉर सुपाइनेशन इज ए राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये टिक याद रखिएगा आप लोग। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? मानव शरीर की जो अस्थियां होती हैं, बोन्स, वो किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो परिणाम एवं आकार के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, साथियों अगर आप हमारे वीडियो, साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ, अपने दोस्तों में तो जरूरी शेयर करें। हाँ, अगर आपके कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितनी स्टैगर दूरी होती है? दूसरी लेन के लिए पूछा गया है कितनी दूरी होती है, तो ये होती है 10.57 मीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज चेक दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता पियरी डी कुबर्टिन का संबंध है? आधुनिक ओलंपिक जो खेल जो हो रहे हैं, होते हैं 2024 में होने वाले हैं, कहाँ पे होने वाले हैं, पेरिस में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। तो पियरी डी कुबर्टिन वो का संबंध किस देश से है, किस कंट्री से है? तो उनका जो संबंध है ये फ्रांस से
से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के दाएं नीलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है? हृदय के क्या दाएं नीलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है? तो ये ले जाया जाता है पल्मोनरी धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत साइकिल विधि द्वारा 8 टीमों के बीच कुल कितने मैचों की संख्या होगी? पूछा जा रहा है लीग टूर्नामेंट के अंतर्गत क्या है साइकिलिंग मेथड के द्वारा 8 टीमों के बीच कुल मैचों की संख्या होगी, तो कितनी संख्या होगी? कुल 28 होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन सी है, विटामिन बी एंड सी। ओके, बी एंड सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जबकि ए डी ए ई के और डी ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है, दार्शनिक शोध को और क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संकलनात्मक शोध कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों के पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो खेलों के जो पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है इसको जो प्रस्तावित किया था तो ये जी स्टेनली हॉल ने प्रस्तावित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमानुकंचन होता है तो क्रमानुकंचन ये कहाँ पर होता है? तो ये इसोफेगस में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन पूछा गया है तो जो उद्घाटन किया गया था तो ये डॉक्टर के एल माली के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। साथियों, आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर चेक करिए कि आपने आउट ऑफ 125 पे कितने क्वेश्चन सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। डेकाथलान स्पर्धा को कुल कितने दिन में खिलाड़ी पूरा करता है? तो डेकाथलान जो स्पर्धा होती है किसके लिए होती है? मेंस के लिए होती है। कुल कितने इवेंट होते हैं मेंस के लिए होती है? और कुल कितने इवेंट होते हैं? 10 इवेंट होते हैं। कितने दिनों में प्रतियोगिताएं पूरी होती हैं? तो 2 दिन में पूरी होती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? जो 100 मीटर की जो रेस होती है स्प्रिंट रेस, उसमें वायु का जो वेग पूछा गया कितने समय के लिए मापा जाता है? तो 10 सेकंड के लिए मापा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में जो पीला जो रिंग होता है ये किस महाद्वीप का क्या है प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। सॉरी फ्रेंड्स, अकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं। अकृत जो परिकल्पना होती है उसको और क्या कहा जाता है? अंतरहीन परिकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटेपन का मापन निम्न द्वारा होता है। मोटापा का जो मेजरमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नायु का खींचना, जो स्नायु का खींचना वो क्या कहलाता है? तो ये स्प्रेन कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। दो मध्यमानों की तुलना के लिए सार्थकता परीक्षण कहा जाता है। दो मध्यानों के बीच की तुलना के लिए सार्थकता परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये टी टेस्ट कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में पेशियां क्या होती है? तो उसमें सिकुड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विख्यात हॉकी खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई है, तो ये बलबीर सिंह के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाने की योग्यता को कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाने की योग्यता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे युग्मन योग्यता कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ? लो बैक पेन पूछा गया है तो उसके निदान और उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ, डेवलपमेंट किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर होगा, क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है? योग शुद्धि से संबंधित पूछा गया है तो हठ योग क्या है, योग शुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से न्यूरॉन की प्रकार कौन सी नहीं है, क्या है? न्यूरॉन की प्रकार कौन सी इसमें से नहीं है? तो स्टेटिक क्या है, ये न्यूरॉन के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया परीक्षण है, किसी वस्तु के क्या न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण है? तो जो ये परीक्षण है ये क्रॉस वेबर टेस्ट इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? मस्तिष्क के अध्ययन के लिए पूछा गया है तो मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो ये रुडोल्फ गोइकिल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सी उत्तोलक में बेल आधार तथा भार के बीच में होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा उत्तोलक होता है जिसमें बल क्या है, बल आधार भार के बीच में होता है? बल कहाँ होता है, आधार और भार के बीच में होता है, तो ये होता है थर्ड टाइप लीवर में होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके साथियों, आप सभी लोगों ने 125 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना था। साथियों, अगर ऐसी आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमारी जो भी वीडियोस हैं उनको आप देखिए, अगर आपको प्रेरित करती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। तो देखते रहिए और आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से दीजिए, तन मन धन से दीजिए, आप क्रैक करें अपने एग्ज़ाम को। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPTGT, KVS, NVS, MP, बिहार स्टेट, अनदर स्टेट के जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप उसको क्वालिफाई करिए फ्रेंड्स। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।